नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं ये दुर्ग शहर से। दुर्ग पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है। शहर के सभी थानों सहित चौक चौराहों व मॉल में शिकायत पेटियों के आम आदमी अपने आसपास होने वाली आपराधिक गतिविधियों को पत्र के माध्यम से डाल सकते हैं। शिकायत पेटी के पत्रों को संबंधित थाने की पुलिस खोलेगी और त्वरित कार्रवाई होगी। दुर्ग जिले में बढ़ते अपराध को कंट्रोल करने का ये एक तरीका है। दरअसल आम आदमी अपने आसपास हो रही आपराधिक गतिविधियों के संबंध में पुलिस को शिकायत करने से डरता है, क्योंकि इसमें उसका नाम उजागर होने का डर रहता है। शिकायत पेटी इसका समाधान है। इसमें शिकायत करने वाले का नाम गुप्त रहेगा और भविष्य में उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। बता दें कि बॉलीवुड मूवी नायक में अनिल कपूर ने भी मुख्यमंत्री की भूमिका निभाते हुए शहर में इस प्रकार की शिकायत पेटियाँ लगाई थी। दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव का कहना है कि इन पेटियों को शहर के सभी थानों के अलावा कलेक्ट्रेट, तहसील कार्यालय, नगर निगम दफ्तर, प्रमुख मॉल व मुख्य चौराहों पर लगाया जाएगा। इस शिकायत पेटी में आम आदमी किसी भी आपराधिक गतिविधि की जानकारी अपना नाम बताए बिना पत्र के माध्यम से दे सकता है। जिले में शुरुआती दौर पर 50 पेटियां लगाई जाएंगी। शिकायत पेटियां तब तक लगी रहेंगी जब तक इसमें शिकायतें आना कम ना हो जाए। इस शिकायत पेटी में यातायात जुड़ी समस्याओं की शिकायत भी की जा सकेगी। यही नहीं, यदि पुलिस कर्मी भी गलत व्यवहार करते हैं तो उसकी शिकायत भी कर सकते हैं, जिस पर दुर्ग पुलिस कार्रवाई करेगी। दुर्ग पुलिस ने पहले QR बेस्ड कंप्लेंट स्टार्ट किया था, लेकिन QR कोड में ऑनलाइन में लोग अपनी आइडेंटिटी आउट होने के कारण और जिनको ऑनलाइन यूज करना नहीं आता उनके लिए हमने ऑफलाइन शिकायत बॉक्स स्टार्ट किया है। इसको सारे रेजिडेंशियल स्कूल्स में, इंडस्ट्रीज में, RWA में, मॉल्स में लगाए जाएंगे, हॉस्पिटल्स, कलेक्ट्रेट। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इनके साथ भी गंभीर अपराध घटती है वो इसमें शिकायत अपना डाल सकते हैं। इसमें बिना नाम के भी शिकायत डाला जा सकता है। शिकायतों की हर हफ्ते शिकायतों को निकाला जाएगा, उनको एक नंबर दिया जाएगा, उस पर जांच की जाएगी, अपराध पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। रेड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुके भोले बाबा की बारात का इस साल 15वां साल है, जो भिलाई के हथखोद से शुरू होगी और पूरे भिलाई का भ्रमण करेगी। महाशिवरात्रि पर खुर्सीपार में बाबा भोलेनाथ की भव्य बारात निकाली जाएगी। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति द्वारा लगातार वे 15वें वर्ष पर यह बृहद आयोजन किया जा रहा है। दरअसल लगातार 15 सालों से छत्तीसगढ़ के भिलाई में भोलेनाथ की बारात निकाली जा रही है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। इस बार भोले बाबा की बारात के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश भर में 31,000 से ज्यादा भोले बाबा की बारात का निमंत्रण भेजा गया है। हर साल महाशिवरात्रि पर जहां प्रदेश भर से लाखों लोग भिलाई में एकत्र होते हैं और बारात में शामिल होते हैं, तमाम तरह की भोलेनाथ की झांकियां लोगों को आकर्षित करती है, तो वहीं बोलबम सेवा कल्याण समिति के प्रमुख दया सिंह ने बताया कि बाबा भोलेनाथ की बारात के लिए 31,000 निमंत्रण पत्र बांटे गए हैं। यह निमंत्रण पत्र खुर्सीपार मार्केट, सुभाष मार्केट, जवाहर मार्केट, सुभाष सब्जी मार्केट, लिंक रोड, आकाशगंगा, रिसाली, हुड़िंद्रा मार्केट, दुर्ग सहित टाउनशिप के सभी बाजारों में और पूरे प्रदेश में निमंत्रण भेजा गया है। बाबा भोलेनाथ की बारात में इस बार देश भर के 20 राज्यों की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी, तो वहीं पूरे छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों से भी 151 झांकियां विशेष शामिल होंगी, जिससे पूरा क्षेत्र भोले की भक्ति में डूब जाएगा। प्रेस वार्ता भोले बाबा की बारात के पूर्व, संगीत संध्या के पूर्व लेके किस तरह की व्यवस्था हमने बनाई है और किस तरह से क्या इस बार शहर को हम नया दे रहे हैं, उन सब चीजों को लेके प्रेस वार्ता थी और हमने जानकारी दी कि केरल प्रदेश की आधा दर्जन से ज्यादा झांकियां आ रही है, आंध्र प्रदेश की आधा दर्जन से ज्यादा झांकियां आ रही है, बस्तर की झांकियां और छत्तीसगढ़ की 151 झांकियां, मतलब एक में 50 लोग है, 5,000 से ज्यादा राम रावण विभीषण भूत पिशाच राक्षस बने नजर आएंगे, तो एक अद्भुत नजारा रहेगा। और 12-12 फीट की 8 झांकियां जो आप देखेंगे आपको बड़ा आनंद आएगा। और साथ में ही हमने अभिनेत्री रिमी सेन जी को भी बाबा की बारात में बुलाया है, तो वो भी आएंगे। तो कुछ शहर के अंदर जो नए थे बस इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। रेड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। नशीली दवाइयों से शहर के युवाओं को नशे के जाल में फंसाने वाले बदमाशों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों से भारी मात्रा में नशे का सामान, जिसमें कैप्सूल से लेकर अन्य सामान जब्त किया गया। आपको बता दें कि दुर्ग पुलिस काफी समय से नशे का अवैध व्यापार करने वालों पर नजर रखे हुए थी। SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में विशेष सूत्रों से पुलिस को पता चला है कि सेक्टर 7 निवासी मोनू सरदार उर्फ विजय गिल नशीली दवाओं का व्यापार करता है और भारी मात्रा में नशीली दवा युवाओं के बीच खपा रहा है। इसके बाद पुलिस ने मोनू सरदार को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया। इस बीच मुखबिर से सूचना मिली कि सेक्टर 7 भिलाई ओवरब्रिज के गार्डन के पास एक कार एवं बुलेट मोटरसाइकिल में कुछ लड़के नशीली दवाइयां बेचने ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं।
सूचना मिलने पर भिलाई नगर पुलिस मौके पर पहुंची और कार में बैठे तीन लड़कों को हिरासत में लिया। तो वहीं मोनू सरदार मिला जो नशे का कारोबार करता है। मोनू सरदार के साथ पुलिस ने अंकुश कुमार व शैलेश कुमार को गिरफ्तार किया। नशीली दवाइयों को वे कुरियर के माध्यम से मंगाते थे। तीनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने कुल 9600 नग नशीली कैप्सूल स्पास दाकेन प्लस कीमती 70,000 जब्त किया गया। साथ ही 18,920 रुपए नगद व बुलेट मोटरसाइकिल एवं मोबाइल जब्त किया गया। आरोपी अंकुश कुमार अपने आप को वेटनरी डॉक्टर बताता है। दुर्ग पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3,000 गोली ट्रामाडोल का जो है जब्त किया गया है। फिर तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए। एक जो है वो स्कूल का जो है पहले ड्राइवर हुआ करता था, दूसरा जो है वेटनरी डॉक्टर है, तीसरा दो बार जो है NDPF में जेल काट के निकला, एक महीने पहले निकला था। इनके द्वारा इंडिया मार्ट के माध्यम से यूपी बिहार से इन गोलियों को मंगवाया जाता था। तो दुनिया जहाँ से आती थी उसका लोकेशन क्लियर किया गया है। आने वाले समय में जहाँ से ऑरिजिन है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लगातार दुर्ग पुलिस जो है NDPF पे कार्रवाई कर रही है। रेड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र पत्नी की हत्या कर 4 साल से फरार आरोपी पति को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या करके सबको नाले में पुलिया के नीचे फेंक दिया था। वर्ष 2019 में आरोपी लोकेश्वर देवांगन ने अपनी पत्नी की हत्या करके अपने भतीजे सूरज देवांगन के साथ में शव को कंबल से लपेट कर नाले में फेंक दिया था। अज्ञात बॉडी रिकवर पुलिस ने की थी और विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ था कि उसकी पत्नी का शव है। तो विवेचना के दौरान जो सह आरोपी भतीजा था सूरज देवांगन, उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके तभी रिमांड पर भेज दिया था, जो जेल में निरुद्ध था। और मुख्य आरोपी लोकेश्वर देवांगन पिछले 4 वर्षों से घटना के बाद से फरार था, जिसकी लगातार पत्रतलाश की जा रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने सड़क बचाओ पद यात्रा निकाली। नारों के साथ आपकी सुर्खी से हल्दी तक की पदयात्रा सड़क बचाओ के लिए निकली। देखिए, भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार को 4 साल और लगभग 3 महीने होने को आ गए और जिस तरीके से राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की हालत खस्ता हाल हो चुकी है और विशेष रूप से सुर्खी से लेकर हल्दी तक की सड़क में आने जाने वाले ग्रामीण क्षेत्र के चाहे शहरी क्षेत्र की आम जनता त्रस्त हो चुकी है। बारिश में तो ये हाल होता है कि ये सड़कें चलने के लायक नहीं रह जाती। आज इन सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव हम सभी लोग वक्त से चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। Real.
Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Barat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पहली बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा बेमेतरा जिले के 10 परीक्षा केंद्रों में 3,292 अभ्यर्थी हुए शामिल। प्रीलिम एग्जाम के लिए बेमेतरा में पहली बार सेंटर दिया गया है। बेमेतरा जिले में टोटल 10 सेंटर है, जिसमें से 11 पब्लिक स्कूल भी एक सेंटर है। यहाँ 400 कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं। फर्स्ट पाली की परीक्षा हो चुकी है, अभी सेकंड पाली के एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। इसके पहले दो बार और भिलाई दुर्ग में दिला चुका हूँ। ये बहुत खुशखबरी की बात है कि छात्रों को कम से कम समय का बचत हो जा रहा है। बेमेतरा में पहली बार हो रहे हैं और समय का बचत तो हो रहा है आर्थिक संकट से, और पढ़ने का टाइम भी मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छी खबर, अच्छी बात है। देवीसी ठाकुर है और बहुत खुशी की बात है कि बेमेतरा जिला में सेंटर मिला है, जिससे आसपास के वासियों को और जो पास के वासी हैं, जो आ रहे हैं गांव से आ रहे हैं, उसको बहुत सुविधा हो रही है। क्योंकि इस बार क्या है कि हर जिला में सेंटर मिला, हर जिला में सेंटर मिलने की वजह से सबको सुविधा मिल रहा है और आर्थिक संकटों का सामना करने से इस बार बचे हैं हम लोग, और समय की भी बचत हुई है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूं। प्रदेश के प्रथम वित्त मंत्री कोरिया कुमार के नाम से विख्यात डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव की जयंती अवसर पर आज 13 फरवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठ पूर्व के घड़ी चौक में स्थापित डॉक्टर सिंह देव की प्रतिमा का अनावरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से राजनांदगांव शहर के गांधी सभागृह में जिला कुष्ठ उन्मूल समिति द्वारा कुष्ठ जागरूकता के लिए उपचार प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 3 जिलों से पहुंचे मरीजों को उपचार हेतु प्रशिक्षित किया गया। ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।